हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ इस मनी चैनल में। दोस्तों, बात करते हैं हम आपके लिए क्या चुके हैं चेन्नई ब्रावर्स वर्स डेकन चार्जर्स का मैच प्रीव। आपके सारे के सारे एनालिसिस इस वीडियो में कंप्लीटली करवा के देने वाला, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्रो वॉच करवा के चलेगा दोस्तों। तो सारे के सारे एनालिसिस इस वीडियो में कंप्लीटली करवा के देने वाला हूँ। अगर आप अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सिंपल आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है, टेलीग्राम पर जाना है और मोस्टली आपको सर्च मारना है सिर्फ ड्रीम इज मनी, तो आपको मोस्टली हमारा चैनल देखने को मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल भी फ्री है दोस्तों। ज्वाइन करने के लिए मतलब चैनल ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल भी फ्री, आपको टीम यहाँ पर प्रोवाइड करा के मिल जाएंगे, सारे एनालिसिस इसी चैनल पर देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। अगर आपको सिंपल तरीके से अगर ज्वाइन होना है तो आपको मैं आफ्टर यहाँ पर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको इसी टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करवा के देने वाला, तो वैसे ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको अगला आने वाला वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके। और दोस्तों, हो सके तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन आपके एक लाइक से ही होता है दोस्तों, तो मोस्टली लाइक जरूर करके चलेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम लोग मैच प्रीव्यू के बारे में। दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर चेन्नई ब्रावर्स वर्स डेकन चार्जर्स के बारे में। वेन्यू की अगर बात की जाए तो जेएड क्रिकेट स्टेडियम में अबूधाबी में ये मैच आपको खेलते हुए नजर आएगा। टाइम अगर बात की जाए कि 26 नवंबर के दिन ये मुकाबला होने वाला था दोस्तों, लेकिन 26 नवंबर के दिन इनका एक मुकाबला हो चुका है ऑलरेडी, और सेकंड मुकाबले की अगर बात की जाए तो आज आपको देखने को मिलेगा 27 नवंबर के दिन, मोस्टली आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। पिच रिपोर्ट की अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर आप मोस्टली देखने को मिल रहा है, पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो आपको यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा इक्वली हेल्पफुल देखने को मिलेगा। पिच रिपोर्ट फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर आपको 110 से 100 देखने को मिल जाएगा, मोस्टली आप देख सकते हो दोस्तों एवरेज स्कोर भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन यहाँ पर आपको अगर बात की जाए तो यहाँ पर चेसिंग टीम को ज़्यादातर एडवांटेज रहने वाला है दोस्तों, जो बैटिंग सेकंड करने वाली टीम है उसको ज़्यादातर एडवांटेज रहने वाला है। इंजरी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करवा के मिल जाएगा, जो कि मोस्टली फ्री है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर टीम गाइड की अगर बात की जाए तो डीजी की टीम ने यहाँ पर तकरीबन 5 मुकाबले खेले और 5 में से 2 मुकाबले जीते, 3 मुकाबले लॉस रहे हैं। सीबी ने अभी तक एक भी मुकाबला नहीं खेला है, तो कोई चांस यहाँ पर बात करने का। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात की जाए डीजी की तो 3 मुकाबले विन करवा के आ रहे हैं 9 मैचों में से दोस्तों। अगर नीचे बात करते हैं यहाँ पर चेन्नई ब्रावर्स की टीम की, तो प्लेइंग एलेवन का ये रहने वाला दोस्तों, आपको मोस्टली यहाँ पर बता दूँ विकेट कीपर सेक्शन से आपको देखेंगे केन लुइस, मोइन अली, सुमित पटेल, रोमो परवेल और रॉस वेटली, उमर अली, अमन्यू मिथ्यू, जॉस लिटल, राइड इरित, इमरान ताहिर, और नीचे से अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ओसाने थॉमस, मोस्टली आप देख सकते हो। और बैच में आपके इनके प्लेयर है यूसुफ पठान और मुन्ने पटेल, तो मोस्टली देख सकते हो। डेकन चार्जर्स की अगर बात की जाए तो टॉम बोल्टन टॉम खिलर है, और नीचे से अगर बात की जाए तो टॉम मेयर्स और आंद्रे रसल, डेविड वॉइस, और नीचे से अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ओडन स्मिथ, डब्ल्यू असरंगा, वीरेंद्र असरंगा, और नीचे से अगर बात की जाए तो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर वहीद राजा, तामिमल मिलेश, सुल्तान अहमद और नाजिम जरन, देख सकते हो दोस्तों। और बैच में से अगर बात की जाए तो इनके प्लेयरों में अहमद हुसैन, और नीचे से अगर बात की जाए तो आसिफ खान आपको देखने को मिल सकते हैं। T20 के स्टेट की अगर बात की जाए दोस्तों, तो मैं पहले आपको T20 के स्टेट बता दूँ, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे इलुइस, जो कि कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए बेटर चॉइस हो सकते हैं मेरे हिसाब से। लेकिन ये चॉइस की अगर बात की जाए तो इन्होंने 160 मैच खेले अभी तक, और बात की जाए तो 4000 से ज़्यादा रन बना चुके हैं, और विकेट्स की अगर बात की जाए 63 विकेट्स अभी तक ले जा चुके हैं दोस्तों। मुझे ट्राई करके चलते हुए कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइस के लिए इलुइस बेटर ऑप्शन रहेंगे। वही बात करते हैं विनीत असरंगा की अगर बात की जाए तो उन्होंने 81 मैच खेले और 97 विकेट्स लेके जा चुके हैं, इकोनॉमी भी काफ़ी अच्छा था, मुझे ट्राई करके चल सके। लेकिन बैटिंग सेक्शन आपको ज़्यादा पॉइंट नहीं दे सकता, बॉलिंग सेक्शन का मोस्ट वसीद असरंगा बेटर रहने वाले हैं। निकोलस पुरन की अगर बात की जाए तो बैटिंग ऑर्डर से आपको पॉइंट दे सकते हैं, 206 रन अभी तक बना चुके हैं, 3800 से भी ज़्यादा रन बना चुके हैं, एवरेज स्कोरिंग का 24 का रहा है T20 के हिसाब से। नीचे बात करते हैं यहाँ पर मैंगल पिरुट की अगर बात की जाए तो उन्होंने 34 मैच खेले, 52 विकेट्स निकाले और इकोनॉमी भी 20 का इनका देखने को मिला है दोस्तों। बॉलिंग सेक्शन जरूर ट्राई करके चलिएगा। चलिए दोस्तों, नीचे अगर बात की जाए टॉप सिक्स की, तो आपको यहाँ पर मोस्टली देखने को मिल रहा है टॉप सिक्स में से, जो कि आप कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बिल्कुल भी चॉइस कर सकते हो ग्रैंडी के हिसाब से। यहाँ पर बात की थी तो भावेक्स राजपक्षा की अगर बात की जाए तो उन्होंने अभी तक बात की जाए तो अभी तक उन्होंने 62 रन बनाए, 188 का इनका एवरेज मतलब स्ट्राइक रेट है, एवरेज स्कोर की बात की जाए तो 40 का इनका एवरेज स्कोर रहा है दोस्तों। और नीचे बात करते हैं रवि बोपरा की अगर बात की जाए तो उन्होंने अभी तक 116 रन बना चुके हैं, स्ट्राइक रेट 190 का रहा है 5 मैच में, और यहाँ पर एवरेज स्कोर उनका 29 का देखने को मिला है। टॉप सिक्स में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे भावेश राजपक्षा और यहाँ पर रवि बोपरा, आपने देख लिया दोस्तों नीचे टेकन चार्जर्स के। तो नीचे से बात करते हैं यहाँ पर आपको मोस्टली देखने को मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पर बात करते हैं टॉप सिक्स के डेकन चार्जर्स की। डेकन चार्जर्स की अगर बात की जाए तो वसिंद असरंगा T10 के हिसाब से, तो मोस्टली इन्होंने अभी तक 8 विकेट्स लेके जा चुके हैं, नौ का इनका इकोनॉमिक रहा है, और मोस्टली इन्होंने 5 मैच में अभी तक 8 विकेट्स लेके जा चुके हैं दोस्तों। वही असरंगा मोस्टली आपके लिए बेटर पिक रहेंगे। वहीं पर बात की जाए टॉम
बोल्टन की अगर बात की जाए तो इन्होंने देख सकते हैं दोस्तों 102 रन बनाए और 5 मैच में मोस्टली देख सकते हैं इकोनॉमी स्ट्राइक रेट भी काफ़ी अच्छा है और एवरेज स्कोर थोड़ा कम लगा है मुझे, लेकिन बेटर पिक है जरूर पिक जरूर करके चलिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखने को मिलेगा इस टूर्नामेंट के अगर राकेश बोपर्रा उन्होंने 162 रन बनाए, राजेश बोपरा ने 116 रन बनाए और वाहिद असरंगा ने यहाँ पर 30 रन बनाए, 8 विकेट्स भी लेके जा चुके हैं। टॉम बोल्टन भी ने 102 रन बनाए हैं और डेविड वैसे ने यहाँ पर 64 रन बनाए और एक विकेट भी लेके जा चुके हैं। दोस्तों नीचे बात करते हैं हम लोग रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन से अगर बात की जाए तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे मोस्टली एंग्लो परेरा आपको मोस्टली देखने को मिल जाएंगे रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन से। 4 इनिंग में इन्होंने 132 रन बनाए थे 180 का स्ट्राइक रेट से और यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इनका एवरेज स्कोर 44 का एवरेज स्कोर है। दोस्तों हार्ड हिटर बैटमैन है, जरूर ट्राई करके चलेगा कैप्टन वाइस कैप्टन से की चिप के लिए, लेकिन ग्रैंडिंग में ट्राई कीजिएगा। और आंद्रे रसल आपको मोस्टली देख सकते हो, आंद्रे रसल का तो आप स्ट्रेट जानते हो, लेकिन दोस्तों आंद्रे रसल की बात की जाए तो इन्होंने 5 मैच में 3 विकेट्स लेके जा चुके हैं। बैटिंग तो आप बैटिंग ऑर्डर काफ़ी ऊपर रहेगा तो मोस्टली आपके लिए बेटर पिक बनने वाले हो आंद्रे रसल। चलिए दोस्तों हमारे इसी के साथ हमारे वीडियो का सारा एनालिसिस यहीं पर खत्म होता है, चलते हैं हमारे डेमो टीम की ओर। डेमो टीम की ओर जाने से पहले मैं आप सबको एक बात बता दूं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का आइकन प्रेस नहीं किया तो प्रेस जरूर कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाएगा क्योंकि आपको अपडेट टॉस के बाद टेलीग्राम चैनल पर टीम प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे डेमो टीम की ओर। चलिए दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पर विकेट के पोजीशन से अगर बात की जाए तो आपको मोस्टली देखने को मिल रहा है यहाँ पर आर गुरबाज, अगर बात की जाए तो आपको यहाँ से नीचे से देखने को मिलेंगे टी मोरिस की भी बेटर परफॉर्मेंस रही दोस्तों इस सीजन, तो ट्राई जरूर करके चलेगा ग्रैंड लीग में, जरूर आपके लिए बेटर पिक बन सकती है, लेकिन स्मॉल लीग के लिए मुझे जी गब्रेस बेटर पिक लगे दोस्तों। तो मोस्टली आप जी गब्रेस के साथ जाना चाहोगे स्मॉल लीग के हिसाब से जाइएगा। और बैटिंग ऑर्डर में अगर बात की जाए तो मैं आपको बैटिंग ऑर्डर में दिखा दूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है टी ब्यूस्टन और एल वाइट, और नीचे से बात की जाए तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है टी कॉम्बोरे, मोस्टली ट्राई कर जरूर चलिएगा इन प्लेयरों में से। अगर आप टी कॉम्बोरे को ड्रॉप करना चाहते हो तो आपको क्रेडिट का बहुत ज़्यादा इशू आएगा दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और दोस्तों बेटर पिक है लेकिन मैं ट्राई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि क्रेडिट बहुत ज़्यादा हाई है इनका। और यहाँ पर इस रोफेंड का भी मोस्टली आप देख सकते हो लेकिन क्रेडिट बहुत हाई है तो ट्राई करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्रेडिट के इशू के हिसाब से मैं इनको ड्रॉप करके चल रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन से अगर बात की जाए तो मैं यहाँ पर वाहिद असरंगा, मोहम्मद हफीज़ अगर खेलते तो ट्राई जरूर करके चलेगा क्योंकि ग्रैंड लीग के हिसाब से बेटर पिक रहेंगे, डेविन ब्राव आपके लिए बेटर हो सकते हैं। यहाँ पर बात की जाए तो आपको डेवी वाइज से मोस्ट पिक है दोस्तों और सिलेक्शन रेट भी काफ़ी कम है, लेकिन एक बॉलर और बैटिंग दोनों भी कर सकते हैं दोस्तों, जरूर ट्राई करके चलेगा। यहाँ पर बात की जाए आर सेजाद की तो मोस्टली ट्राई करके जरूर चलेगा दोस्तों, क्योंकि ये बेटर पिक आपके लिए बन सकते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन से चॉइस बेटर रहेंगे असरंगा और ये रेदु अच्छे मोस्टली ट्राई करके चलिएगा दोस्तों। यहाँ पर बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन से अगर बात की जाए दोस्तों, आपको देखने को मिलेंगे मोस्टली यहाँ पर डब्ल्यू रिच की अगर बात की जाए तो मोस्टली आपको पिक जरूर करके चलेगा क्योंकि एक स्मॉल लीग के हिसाब से मुझे बेटर पिक लगेगा और ए रशीद आपके लिए बेटर पिक हो सकते हैं स्मॉल लीग के हिसाब से, और डी डेकेस मोस्टली पिक आपके लिए ग्रैंड लीग के हिसाब से भी स्मॉल लीग के हिसाब से भी। और नीचे से अगर आप चाहो तो वो स्मिथ को जरूर ट्राई करके चलेगा, लेकिन सिलेक्शन रेट इनका भी काफ़ी हाई है तो ट्राई करके चलेगा, लेकिन आपके लिए बेटर पिक बन सकती है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो नीचे से आपको यहाँ पर इस अहमद का काफ़ी सिलेक्शन रेट कम है, लेकिन प्लेयर भी मोस्ट पिक बन सकते हैं तो इनको स्मॉल लीग के हिसाब से नहीं ग्रैंड लीग के हिसाब से ट्राई करके चलेगा दोस्तों। आप यहाँ पर वो स्मिथ को अगर ट्राई करना चाहते हो तो आप मोस्टली यहाँ पर तो आपको यहाँ से इनको ए रशीद को ड्रॉप करना पड़ेगा, नहीं तो बेटर पिक आपको यहाँ पर डी डेक्स को ड्रॉप करके जाना पड़ेगा नीचे। तो दोस्तों मैं ऐसा नहीं करना चाहता, फिलहाल के लिए मेरी डेमो टीम यही रहेगी और आपको जो अपडेट उसके बाद जो फाइनल टीम जो मिलेगी दोस्तों वो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा के देना होगा, तो वही से ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। आज के मेरे कैप्टन असरंगा रहेंगे फिलहाल के लिए और वाइस कैप्टन मेरे यहाँ पर आर ऋषभ रहेंगे, तो मोस्टली ट्राई करके चलेगा दोस्तों, देख सकते हो आप हमारी डेमो टीम। चलते हैं मिलते हैं अगले आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और हो सके तो एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।